मेरे गांव के दो तीन बंदा बिन्ने जाए दारू पिया के वजह नेहर पे लाके के डक्का दे <laughs> दो है अरे भैया सतबीर की पत्नी आप कहाँ थे मैं तो जिला पर रहती हूँ मेरे पास भी ना गए मेरे मारे मोरे के तो कमर करी गए गांव के नहीं के पता ना झगड़ा करो भी खाएगी ना पन्नी ठीक है बात हुई थी नमस्कार सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नवीन कुमार आपको बता दें कि रात हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें एक करीब 25 वर्षीय युवक जो है ड्रेन नंबर दो पर अपने साथियों के साथ पहुंचता है और वो संदिग्ध परिस्थितियों में ड्रेन नंबर दो में लापता हो जाता है लेकिन 24 घंटे के करीब का समय हो चुका है अभी तक भी युवक का अता पता नहीं चल पाया है तमाम जो परिजन हैं जो उसके जानकार हैं परिचित हैं रिश्तेदार हैं वो ड्रेन नंबर दो पर पहुंचे हैं और लगातार आप जैसा तस्वीरों में देख पा रहे हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है आपको बता दें कि यूपी के एंटा जिले का रहने वाला 25 वर्षीय युवक सलेंद्र सतबीर अपने भाई के साथ पानीपत में काम के लिए आया था और बीते दिन बारिश होने के कारण काम न लगने के कारण अपने साथियों के साथ घूमने निकला था लेकिन अचानक से वो यहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन परिजनों से जैसे हमारी बातचीत हुई परिजनों ने बताया कि वो तमाम जो यार दोस्त थे उनके साथ सतबीर जो है शराब पार्टी करता है और उसके बाद जो है सतबीर के जो यार दोस्त हैं उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सतबीर को ड्रेन नंबर दो में डाल दिया है तमाम जो परिजन हैं उनका देख सकते हैं कि लगातार रो रो कर बुरा हाल है सतबीर के तीन जो बताया जा रहा है कि छोटे छोड़ छोटे तीन बच्चे हैं तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है ड्रेन नंबर दो की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी का बहाव लगातार तेज है और इसी में बताया जा रहा है कि सतबीर जो है इसी सामने जो आप शराब का ठेका देख रहे हैं यहीं पर सतबीर अपने यार दोस्तों के साथ आता है यहाँ पर वो पार्टी करते हैं और उसके बाद जो है यार दोस्तों के बीच झगड़ा होता है हालांकि जैसा कि परिजनों ने बताया है कि उनमें पहले भी कई बार झगड़ा हुआ था परिजनों से ही बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था भैया क्या कुछ पता चला था कि क्या बात हुई थी मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं है मैं तो काम पे थाने क्या हुआ क्या था मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है मैं तो काम पैदा भैया जी आए किस लिए क्या पता चला था आपको पता चला पड़ोस में रहते हैं सारे के हाँ भाई कोई बंदा उसमें नहर में गिरा दिया है तो इसलिए हम भी चले आए वाक्य नहीं वाला है रहने ये जिला के हैं जी उम्र का है ये अट्ठाईस साल है अट्ठाईस साल हाँ तीन बच्चे हैं दो लड़की है एक लड़का है कितनी उम्र के हैं बच्चे बच्चे के छोटे छोटे हैं जी कोई साल का है कोई डेढ़ साल का है कोई एक साल का है इतने बच्चे हैं बस यहाँ पर कैसे पहुँचे थे वो कुछ पता चला है? ये तो मेरे को नहीं पता जी मैं तो काम पता है उस टाइम अपने भी। देखिए जो जानकार है वो यहाँ पर पहुँचे हैं लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि सतबीर यहाँ पर कैसे पहुँचा है लेकिन जो सतबीर का भाई है उसका बड़ा भाई है उससे हमारी अभी बातचीत हुई थी उसने बताया कि सतबीर जो है यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँचा था सतबीर का जो भाई है बड़ा भाई उससे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है कैसे आपका भाई यहाँ पर पहुंचा था सर चार पाँच दिन पहले इनका झगड़ा हुआ था इनका ही दोस्तों का और भाई का और फिर कल यहाँ से सुबह पी के गया और फिर यहाँ से वो घर पे चला गया फिर इनने फोन कर करके पता नहीं कैसे करके फिर इसको बुलाया है यहाँ पर वहाँ प्या के लाए जितनी प्यानी थी उतनी फुल प्या के लाए थे फिर पता नहीं इनने यहाँ आगे फेंक दिया वो पता नहीं कौन सी कौन सी उनने लड़ाई निभाई थी कुछ लड़ाई तो नहीं हुई थी उनसे लेकिन दो चार दिन पहले हुई थी और ये जुआ खेलते थे रात भर एक दूसरे पे कर्ज भी होता था मांगा होगा चाहते होगा उसका होगा हो ये पता नहीं और ये लोग अभी तक देखने नहीं आए कल से सत्वीर पे भी कर्ज था ये पता नहीं ये तो यही ये जाने यही लोग बताएंगे क्या था क्या नहीं था कर्ज को लेकर झगड़ा था कुछ और वजह भी थी। पता नहीं इस वजह की झगड़ा किस बात का था इनको इनका झगड़ा हुआ मारपीट भी हुई दो नंबर पर कल हुई है दो चार दिन पहले हुई थी फिर यहाँ आके मारा है वो दारू पिला के फिर नीचे फेंका है उन लोगों ने सतवीर का फोन उसके उनके पास था लड़कों के घर से कुछ कह के निकला था कल सतवीर नहीं घर के गर के घर घर कुछ नहीं निकला निकला किस समय था गर से घर से सुबह आया वो एक बार घर चला गया फिर इनने फोन करके या कैसे भी बुलाया है वो दो ढाई बजे करीब बुलाया है इनने प्या के फिर यहाँ पर लाया वो नहर में सतवीर ने भी पी रखी थी हाँ पी रखी उसने तो कहां आप रहने वाले हो कब से पानी पस में रहे हो? पानी पस में तो दो साल से होने ही जा रही हैं। और हमें रहने वाले पड़ता है और काम करता था मिस्त्री था का काम करता था कितनी उम्र थी उम्र थी अट्ठाईस साल अट्ठाईस साल उम्र थी अभी तक कुछ पता चला है? अभी तक कुछ पता नहीं चला बच्चे कितने तीन बच्चे हैं जी भाई मैं भाई है उससे बड़ा हम दो ही भाई थे बस क्या नाम आपका सूरज देखिए ये सतबीर का बड़ा भाई सूरज है जिससे हमारी बातचीत हुई यार दोस्तों पर आरोप लगे है कि उन्होंने पहले सतबीर को शराब पिलाई है और उसके बाद उसके साथ मारपीट हुई है कई दिन पहले बताया गया है कि सतबीर के साथ मारपीट भी हुई ये आपस में जुआ खेलते थे और कर्ज़ को लेकर जैसा कि उसके भाई से हमारी बातचीत हुई उनकी बातचीत हुई और कई दिन पहले मारपीट हुई उसके बाद कल हालांकि बताया गया ये भी गया था कि सुबह से जो है बरसात के कारण काम नहीं लगा था उसके बाद सतबीर अपने यार दोस्तों के साथ यहाँ पर निकलता है अब उसके भाई सूरज से जो कि सतबीर का बड़ा भाई है उससे हमारी बातचीत हुई उसने बताया कि आरोप है कि उसी के यार दोस्तों ने पहले सतबीर को शराब पिलाई है उसके बाद उसे ड्रेन नंबर दो में फेंक दिया है जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया तमाम जो परिजन हैं उनके आप हालात देख सकते हैं कि लगातार परिजनों का रो रो कर बुरा हाल तीन बच्चे अरे भैया क्या पता चला मेरे गांव के दो तीन बंदा बिन्ने जाए दारू पिया के वजह नहर पे लाके के ढक्का दे दो है एक लड़की दो लड़के अरे भैया मेरे भैया सतबीर की पत्नी है आप कहां थे उस समय मैं तो चिल्ला पर रहे थे मेरे पास ना गए मेरे मारे मोरे के जाओ कमर करवे गए गांव के नहीं के मारपीट हुई पता ना झगड़ा करो पी खाए के ना की कब बात हुई थी से? मेरे से नहीं बात वही ना गई मेरे जा जारे आप कब से बताया जा रहा है कि आपके बीच में झगड़ा हुआ था सतवीर अरे मैं तो झगड़ा ना वो मेरे पास ही ना गए तो झगड़ो कहाँ थे वो मेरे को आप कहाँ गए हुए थे मैं तो मुझे लापर रही है कमरा रूम लेके उस मार मोर के खबर करवे गए कि वो कूद में उसमें कूद आपसे कोई बात नहीं, बात नहीं हुई थी सतबीर की मेरी बात नहीं हुई अरे भैया बात नहीं देखिए ये सतबीर की पत्नी है और ये तमाम जो परिजन हैं इनके आप हालात देख सकते हैं कि लगातार रो रो कर जो है परिजनों का बुरा हाल है क्योंकि सतबीर जो है अपने यार दोस्तों के साथ घर से निकला था कल सुबह और आरोप जो है तमाम जो उसके यार दोस्त थे उन पर आरोप है कि पहले उन्होंने सतबीर को शराब पिलाई और उसके बाद जो है उसके साथ मारपीट की और उसे ड्रेन नंबर दो में फेंक दिया जहां पुलिस भी देर रात मौके पर पहुंची थी और लगातार जो है पुलिस भी मामले की जांच कर रही है कहीं ना कहीं लेकिन परिजनों द्वारा उसके यार दोस्तों पर ही आरोप है कि उन्होंने सतबीर को पहले शराब पिलाई और उसके बाद उसके साथ मारपीट की और उसे बाद में ड्रैन नंबर दो में फेंक दिया क्या बातचीत हुई थी आपको भी पता कुछ बातचीत जो जी उनको पता होगा ना जो भी हुई थी यहाँ पर आए ये बता रहे हैं ये उनके भाई यही बात है जो भी है पहले भी कभी झगड़ा हुआ इनका पहले बता तो रहे झगड़ा हुआ पहले पहले झगड़ा हुआ फिर यहाँ पर आए पता लगा है जो बंदे भाग गए यहाँ से वो गिर गया बंदा इसमें फेंका या कुछ भी किया तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था बताया लेन देन था इनका आपस में हाँ पहले जुआ जुआ वगैरह खेलते थे ना ये बोल रहे हैं वो इनका भाई बता रहा था ना जुआ वगैरह खेलते थे इनमें झगड़ा भी हुआ है तो करीब एक बजे से गए कोठी पे दो बजे इन बंदों ने बुलाया वो यहाँ दारू पिलाई है दा, शराब कहाँ पे यहीं दारू तो यही, आ, यही। और आपको कैसे पता चला था यही बंदों ने खबर की एक दूसरे से ऐसे पता लगा इन्होंने हाँ यार दोस्त तो भाग लिए थे यहाँ से अपनी पे जब इनके ब, जिनके जिनको इसके बड़े भाई को बताई थी कि तुम्हारा भाई गिर गया नहर में और फिर इनका छोटा लड़का गया था हमारे पास अंजल में कि हमको जब मालम परी किए ऐसे ऐसे हमारे चा चाचा, चाचा हैं वो नहर में गिर पड़े हैं जब वहाँ से हम भाजे थे यहाँ देखा था यहाँ तो कुछ मिला नहीं थी पर हम दूसरी पुल तक गए थे तीसरी पुल तक देखने के लिए कोई नहीं मिला था रात किस समय तक देखते रहे आप बह रात को दस बजे तक दस ग्यारह बजे गए हैं यहाँ से हम पता चला कुछ भी नहीं पता चला तो सवेरे सुब, आए थे वो तो सवेरे आए थे एक बार घूम के चले गए फिर वापसी वहाँ तक गए थे फिर घूम घाम के नक ढूंढा ढूँढा का नए का और बात नहीं है बस तैरते हुए चले गए हैं वो और निकल गए तैरने वाले कितने गोताखोर आए थे चार चार आए थे हाँ तो देखिए गोताखोर भी सुबह आए हैं तलाश की है परिजन भी देर रात तक जो है तलाश करते रहे ड्रेन नंबर दो के ठीक सामने हम खड़े हैं वो जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि परिजनों से हमारी बातचीत हुई यहीं पर जो है आकर सतवीर अपने यार दोस्तों के साथ शराब पार्टी करता है और बाद में उनके बीच कहाँ सुनी हो जाती है जैसा कि परिजनों से हमारी बातचीत हुई आरोप है कि उसी के जो यार दोस्त थे उनके बीच झगड़ा होता है और उसके बाद वो यार दोस्त जो हैं सतवीर के साथ मारपीट करते हैं और उसे ड्रेन नंबर दो में फेंक देते हैं बारह चौबीस घंटे के करीब का समय हो चुका है लेकिन सतवीर का अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है तमाम लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच सके तब के लिए बने रहे सिटी तहलका के साथ सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ नवीन कुमार सिटी तहलका न्यूज पानीपत